जो हाथ इन कच्चे दियों में रंग भरने में जुटे हैं, वो हाथ अपने जीवन में कभी रंग नहीं भर पा रहे। जिन दियों को जलाने से दीपावली के दिन आपका घर रोशन होता है, उन दियों को बनाने वालों का जीवन खुशियों की चंद रोशनी के लिए तरसता है। काशी के फुलवरिया गांव में कुम्हारों का परिवार रहता है। यहाँ के हर घर में आपको मिट्टी के दिए पकते, बनते और रंगते दिख जाएंगे। लेकिन बाजार में इन्हीं दियों के लिए जितनी कीमत मिलती है, उतने से इनके घर में रोशनी फीकी पड़ जाती है। अब मंगा कर उस महंगाई की वजह से मेहनत मजूरी जब बना कर ले जाते हैं मार्केट में, तो कोई जो है कि हम लोग को कीमत नहीं मिल पाता है। अब बताइए, बाल बच्चा 10 परिवार है तो इसी से जीना खाना है। जब हमको कुम्हार नहीं चाहते कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी अब इस काम को आगे बढ़ाए, अब वो दूसरे विकल्पों की राह तलाश रहे हैं और कारोबार में भी जाने की तरफ सोच रहे हैं। अब क्या करेंगे, नहीं चलेगा पेड़ तो कोई कारोबार में चलना पड़ेगा। अब भाई बाल बच्चे भूखा थोड़ो नहीं मरेंगे। अब हम लोग परिवार नहीं चलेगा तो छोड़कर दूसरा ही व्यवसाय करेंगे। बदलते वक्त और चाइनीज झालरों से पटे बाजार में सस्ती रोशनी तो जरूर बिखेरी है, लेकिन उस रोशनी में हमारी परंपराएं धूमिल जरूर हो रही है। उन्हीं सस्ती रोशनी के तले चंद उम्मीदें भी करहा रही है। इतनी तकलीफों के बाद भी ये लोग लगातार दिए बना रहे हैं और इस आशा में बना रहे हैं कि जिस तरह हम अपने घर बार को रोशन करते हैं, एक दिन इनके घर में भी दीपावली में घी के दिए जलाए जाएंगे। अर्णिमा द्विवेदी, ईटीवी, वाराणसी।